आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। The triplet codon UGA, UAG, UAA are termed as termination codons because they पूछा गया है कि इन्हें termination codon क्यों कहा जाता है। तो ये basically stop codons के नाम से जाने जाते हैं और ये stop codons इसीलिए होता है क्योंकि ये जिस mRNA में put on हो जाता है या फिर mRNA में जब इनके sequence जो है वो आने लगते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं कि अब जो mRNA का स्ट्रैंड है उसे कट किया जाए और फिर उसे हम कह सकते हैं कि स्टॉप कर दिया जाए जो भी यहाँ पे सिंथेसिस होता है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो जो भी सिंथेसिस होता है उसे स्टॉप कर दिया जाता है जब स्टॉप कोडोन्स आते हैं। तो इसीलिए इन्हें स्टॉप ऑफ द mRNA या फिर जो यहाँ पे स्ट्रैंड बनता है mRNA का उसको कट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट है यहाँ पे जो कि डू नॉट अलाउ राइबोसोम टू बाइंड विद mRNA, लेकिन ये गलत है। डू नॉट स्पेसिफाई एनी अमाइनो एसिड, तो ये भी गलत है। प्रिवेंट बाइंडिंग टू tRNA एंटीकोडन विद mRNA, तो ये भी गलत है। स्टॉप mRNA सिंथेसिस, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर क्योंकि स्टॉप कोडन का काम जो है वो स्टॉप mRNA सिंथेसिस का ही होता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।